है इक्लार्क्स सर्विसेज लिमिटेड, एक बढ़िया आईटी कंपनी है। आईटी कंपनी उसको मैंने बहुत कवर किया जेंस आपके जेंस के पूरे सीरीज में, बट जनरली पिछली बार जो भी किया 1000 करोड़ के नीचे की या 2000 करोड़ की 3000 करोड़ तक की कंपनियां, बट इस बार जो है 4300-4400 करोड़ की कंपनी है। मार्केट कैप बड़ा है बट कंपनी बहुत बढ़िया लग रही है, एक अंडर परफॉर्मर है। वैसे जो ओवरऑल जितनी आईटी कंपनीज परफॉर्म की थी उसके हिसाब से मार्केट्स में बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं आया, बट फिर भी मैं यही कहूंगा जिन लेवल्स में बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स है और ऊपर के लेवल्स मुझे बहुत बढ़िया लग रहे हैं, तो इसलिए मैं स्टॉक लाया हूं। वैल्यूएशंस के लिहाज से 18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 19% है और पेडिग्री बहुत बढ़िया है कंपनी की। मैं जस्ट प्रमोटर्स को देख रहा था तो मिस्टर अंजन मलिक और मिस्टर पीडी मुंडरा, जो कि बहुत बढ़िया सक्सेसफुल करियर उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था, वहां से निकल के 2000 में स्टार्ट किया था और आज 11,000 एम्प्लॉइज ये लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो काफी क्रिटिकल ऑपरेशंस ये लोग मुहैया करवाते हैं फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का इनका हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स आया है दिसंबर क्वार्टर में, जनवरी का आना बाकी है, 71 करोड़ का पैट था। FIIs DIIs कंटिन्यूअसली स्टेक बढ़ा रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेक है। प्रोमोटर्स ने अभी रिसेंटली बाईबैक भी किया था 1.5-2 साल पहले और करीब 53-54% प्रोमोटर्स के पास है, बाकी करीब 9% पब्लिक के पास और बाकी सारी FIIs DIIs के पास और वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं। मैं OPMs को देख रहा था तो बहुत बढ़िया है एज कंपेयर टू पीयर्स जो कि 15-20% के बीच में है बाकी सबके, तो ये 26% के लगभग OPM प्रेजेंट करती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए और आराम से 1530 तक के टारगेट्स के लिए, थोड़ा मैं लंबा टारगेट्स दे रहा हूं, तो 1530 के टारगेट्स के लिए आने वाले 6-9 महीने के लिए।